बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, बकरे आ गए कुर्बानी वाले। ये वाला बकरा है जी। तो दोस्तों, ये सारे हमारे कुर्बानी वाले वही बकरे हैं। तो आप सब ने देख कर बताना है कि इनमें कोई फ़र्क आया है ये पहले से। ये आपने बताना है कि ये पहले से कमज़ोर हुए हैं या तगड़े हुए हैं, ये आपने बता देना है कमेंट में। अपनी गाय का इजहार ज़रूर करेगा। ये हमारी गाय की बच्ची है। ये हमने दो नए बेडू भी लिए हैं, एक ये है। तो इनका भी आपने इनका बताना है कि क्या प्राइस हो, कि अपनी राय का इजहार जरूर किया करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। ये है जी हमारी जर्मन शेफर्ड। हफ्ता हो गया हमारे पास आए हुए और बड़ी हो रही है, कद बड़ा हो गया अभी इसका। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कुर्बानी बहुत करीब आ गई है, तो जो भाई इंटरेस्टेड है, ये बकरे फॉर सेल भी हैं और बेडू भी फॉर सेल हैं। तो जो इंटरेस्टेड है, लोकेशन हमारी सरगोधा की है, तो जो इंटरेस्टेड है वो हमसे रब्ता करके ले ले। मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी साथ शेयर कर दूंगा। तो जो आगे बाकी इन्फॉर्मेशन वो फ़ोन पर ही हमसे ले लें। तो आप बकरे देख लें। ये देखे दोस्तों, ये दोनों बेडू जो सामने है, यही हमने अभी लिए हैं। तो आपने ज़रूर गैस करके बताना है कितने कितने के होंगे। हमें तो ये सबसे सस्ते मुनासिब मिल गए हैं सब बकरों में से। बाकी बकरे भी मुनासिब मिले हैं, लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा मुनासिब है इस बेडू का रेट। हम अपने बकरे नहलाने लगे हैं जी। हमारा वाइट वाला बकरा है, इसको हम सरफ से नहला रहे हैं। ये जी दोस्तों, बेडू ना आकर साइड पर आ गया। तो अभी धूप में खड़ा होकर अपने आप को सुखा रहे, दीवार के साथ अपने आप को रगड़ के। तो दोस्तों, ये देखिए, ये पता नहीं हमारे कबूतर के बच्चे को क्या हुआ है, एकदम से तड़फना शुरू हो गया। वे तड़फ रहे, तो अभी ये मर गया। पता नहीं इसको एकदम से क्या हुआ है, बिल्कुल पहले तो सही था। तो जो दोस्तों, हम वहाँ कोयटा से भी अपने कबूतरों के बच्चे लाए थे, वो भी इनमें से भी एक मर गया। पता नहीं यहाँ पर कोई बीमारी तो नहीं आ गई, लेकिन बीमारी नहीं है इनको, कुछ ही कुछ हुआ है। तो ये बकरों की सही धुलाई हुई है इनको। जैसे सर्फ एक्सल में कपड़े धो कर बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, वैसे ही बकरे आज बिल्कुल सफ़ेद कर दिए इन्हें लगाने ला के इनको। इनकी मालिश भी हो गई है साथ, धुलाई भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? से अच्छे ठीक हैं। ये देखें जी, हमारा कबूतर एक नया लेके आए थे, उड़ गया और वो साथ वाले मेरे चाचू के घर जाके बैठ गया और अभी देख रहे हैं। पहले तो कहीं चला गया था, अभी वापस आ गया। ओ देखते अभी अपने घर आता है या नहीं आता, क्या करता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें जी हमारे मुर्गे, ये वाला
माशाल्लाह जी, बकरे नहाने के बाद फ्रेश हो गए हैं, चारा डाला है और चारा खाए जा रहे हैं। ये तीनों बड़े थे बकरे, चारा खाने में मसरूफ हैं। ये रेड वाला भी खा रहा चारा। ये हमारी मुर्गियां भी साथ फिर रही हैं। ये मुर्गा है असील, एक वो मुर्गी है, ये मुर्गी चूजे भी साथ हैं इसके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली मज़ेदार वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज।